Hi guys, today we have one more successful story of Freshline Wellness. Shailja, who is a mother of two kids, two boys, and she has lost weight. और आज वो आपके सामने अपनी जर्नी को शेयर करेगी कैसे उन्होंने अपना वजन कम किया, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव किया, अपने यंगर सेल्फ, अपने हेल्दियर सेल्फ में कैसे वापस आई. सो आई वेलकम यू Shailja. थैंक्स फॉर बींग ऑन माई टॉक शो. बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप और भी फीमेल्स को मोटिवेट करो और इंस्पायर करो अपनी हेल्थ जर्नी पे वर्क करने के लिए. सो आई वेलकम यू फर्स्ट. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ओके, सो Shailja, आपने कितना केजीज वजन कम किया है? इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट द सेशन विद दैट सो दैट मैम आई हैव लॉस्ट कान ज्यादा खुल जाते हैं कि वजन कितना कम किया है वो मैटर करता है. आई हैव लॉस्ट 22 केजीज इन 8 मंथ्स. 22 केजीज. गुड, अमेजिंग, अमेजिंग. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है Shailja, व्हाट वर द इश्यूज और व्हाट वर द प्रॉब्लम्स व्हिच यू वर फेसिंग पोस्ट प्रेगनेंसी, जिससे तुम्हें ये लगा नहीं यार मुझे वजन कम करना पड़ेगा. और आई थिंक तुमने बहुत ज्यादा वजन उस वक्त गेन भी कर लिया था. आई विल बी शेयरिंग द पिक्स ऑल्सो गाइज इन बिटवीन, जो Shailja की स्टार्टिंग जर्नी थी. सो आपको क्या इश्यूज, अपार्ट फ्रॉम द वेइंग स्केल पे तो वेट दिख रहा है, बट और क्या फील हो रहा था कि आपको लगा नहीं यार मुझे इस पे काम करना पड़ेगा, आई कैन नॉट बी लाइक दिस? सबसे पहले तो मैं बहुत इमेज कॉन्शियस हूँ. मुझे एक ही चीज बस सबसे ज्यादा मुझे लगी थी कि मुझे वापस से अपनी शेप में आना है, मुझे बैक टू शेप होना है. मुझे कोई भी देखे तो ये ना कहे अच्छा आपके दो बच्चे भी हैं क्या, ऐसे मैं इतनी मोटी मोटी दिखूं. ऑल्दो मेरी हाइट थी, मोटापा अलग से नहीं दिखता था, बट स्टिल मेरे को सीढ़ियां चढ़ती थी तो मुझे बहुत मतलब सांस मेरी फूलती थी, लेथार्जिक हो गई थी, मैं बहुत लेजी फील करती थी, किसी भी टाइम पे कुछ भी खा लेना, कभी भी ऐसी क्रेविंग्स हो रही हैं. तो मैंने डिसाइड करा नहीं ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी फिटनेस के लिए बहुत एंथुजियास्टिक थी, अपनी शादी से पहले भी, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी भी, और बिफोर डिलीवरी भी मैंने आपसे कंसल्ट करा था जब मैंने 8 to 9 केजीज उस टाइम पे भी लूज करा था. पहले नहीं, आई हैव टू बी इन शेप. आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग डबल एक्सेल साइज, जो मुझे लगता था यार ये मैं क्या कर रही हूँ, डबल एक्सेल साइज पहन रही हूँ मैं. और मुझे ना नहीं, मैंने कहा, मैंने ठान लिया था मैंने, और मैम के पास जब आपके पास मैंने ज्वाइन करा है तो मेरा एक ही टारगेट था, मुझे पतले होना है बस. सो गाइस, इसमें मैं यहाँ पे एक चीज आपको बहुत हाईलाइट करना चाहूंगी कि Shailja का वाई बहुत क्लियर था. जब आपका वाई क्लियर होता है तो आपका कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा होता है. बहुत लोग इसी से स्ट्रगल करते हैं जब तक वो यही नहीं सोच पाते हैं वजन करना क्यों है कम. बिकॉज शी वॉज फीलिंग लो इन एनर्जी, बच्चों के साथ कैच अप करना उनकी एनर्जी के साथ वो कितना डिफिकल्ट हो गया था Shailja. आई रिमेम्बर बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. रात में सोने का पैटर्न अलग हो रखा था, मॉर्निंग उठने का पैटर्न अलग है, कभी भी सो रही हूँ कभी भी जाग रही हूँ. मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बॉडी के साथ ना खुद ही गलत कर रही हूँ, मैं अपनी बॉडी के साथ, मैं जस्टिस नहीं कर रही थी अपनी बॉडी के साथ, मुझे ऐसा फील होता था. बेसिकली जब मैं अपने सामने देखती थी इतनी स्लिम गर्ल्स हैं और उनके बच्चे भी हैं और उसके बाद भी वो इतने एनर्जेटिक हैं, अपने बच्चे के साथ खेल भी पा रहे हैं, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे वजन कम करना है. अपने हस्बैंड को मैंने बोला आई हैव टू लूज वेट, बस मैं इतना जानती हूँ. यस, मैं आपकी वो कमिटमेंट लेवल देख पा रही थी थ्रू आउट द जर्नी, सो दैट वाज रिमार्केबल डेफिनेटली. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिड यू एवर फेल कि इन न्यूट्रिशन प्लान्स को फॉलो करना डिफिकल्ट था, या जैसे छोटे नॉट एट ऑल. मैं आज भी मुझसे कोई पूछता है ना यार आपने ऐसे ना भूखे रहे होगे, आपकी डाइटिशियन ने ना आपको भूखा रखा होगा, उन्होंने आपको ग्रीन टी पिलाई होगी, उन्होंने आपको ये किया होगा. मैंने कहा मेरी डाइटिशियन ने मुझे मेरे अकॉर्डिंग खिलाया, मैं इतना जानती हूँ. मैं मैम से कहती थी मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये लिख के दो. तो वो कहती थी अच्छा ठीक है इसका अल्टरनेटिव ये ले लो आप. कोल्ड कॉफी मैंने थ्रू आउट अपनी जर्नी पी और आज तक मैंने कोल्ड कॉफी नहीं छोड़ी है. आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ कोल्ड कॉफी, तो मुझे पीनी ही है, चाहे विंटर्स हैं चाहे समर्स हैं. बट मैम ने मुझे डाइट इस अकॉर्डिंग दी है कि मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं क्रेविंग हो रही है मुझे किसी चीज की, बट यार मैं डाइट पी हूं तो मुझे नहीं खाना. पूरी डाइट वॉज हेल्दी डाइट और मुझे डिफरेंसेस दिखे खाने के पैटर्न्स में और डाइट में. कोई चीज का मैंने ऐसे नहीं करा कि उसको छोड़ दो, आटा नहीं खाना, सब कुछ खाया मैंने. तो आपके लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, उनकी ईटिंग पैटर्न के साथ, अपनी ईटिंग मतलब अपने न्यूट्रिशन लेवल्स को इम्प्रूव करने का जो आपका प्लान था उसको बहुत इजीली आप बहुत इजीली ऐड कर पाए. आई डू रिमेम्बर Shailja, जब हमने शुरू भी किया था तब देयर वर सम इश्यूज इन टर्म्स ऑफ द स्किन हेल्थ एंड ऑल,
और आपने कहा मैम मेरे थोड़े से हेयर हेल्थ का भी इशू लग रहा है मुझे व्हेन वी स्टार्टेड, सो जस्ट टेक अस थ्रू दैट आल्सो कि कैसे आपके न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने से आपकी स्किन बेटर हुई। स्किन मेरी, आप अभी मेरी जब आप प्रीवियस पिक्चर्स देखेंगे तो बहुत स्पॉट्स हैं मेरी स्किन पे, और डाइट स्टार्ट करने के बाद, ये हेल्दी डाइट स्टार्ट करने के बाद आफ्टर 4 मंथ्स बहुत विजिबल रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे। जैसे ही वेट लॉस हुआ, थोड़ा अपनी बॉडी पे वर्कआउट किया मैंने, तो हेयर हेल्थ भी अच्छी हुई और डेफिनेटली मेरी स्किन तो बहुत इम्प्रूव हो गई है। और जो मेरा मेजरली फेस पे फैट अलग से दिखता था जब मैं स्माइल करती थी या कुछ, दैट इज ऑल गॉन, कुछ भी नहीं है अब। So it is more of a healthy skin and healthy hair also. Because generally लोग क्या करते हैं कि they follow a crash diet और वजन कम करने के लिए कम खाना शुरू कर देते हैं और सही नहीं खाते हैं, उससे क्या होता है, सबसे पहले उनकी स्किन खराब होती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों साइंस आप भी फील कर रहे हो गाइज, यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आपकी स्किन इंप्रूव होनी चाहिए, आपका हेयर हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए, आपकी एनर्जी इंप्रूव होना चाहिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव होना चाहिए, आपकी स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव होना चाहिए। तो ये सभी चीजें इंप्रूव होंगी, हो रही हैं, दैट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो इट इज ऑलवेज एज आई से शैलजा, आप भी इस चीज को शायद एग्री करोगे कि होलिस्टिक अप्रोच प्लेज अ वेरी मेजर रोल। कोई एक चीज पिक नहीं कर सकते हम, नहीं। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी के बाद गैस का इशू था मुझे, जो मैंने आपको आपके साथ शेयर भी करा था। पीरियड्स का भी मुझे इशू था, मुझे गैस का भी इशू था, दोनों मेरे रिजॉल्व हो गए थे इसके बाद। और टिल नाउ अभी मैं कोई डाइट पे नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट मेरा ईटिंग पैटर्न और मेरा एपेटाइट कुछ इस तरीके से हो चुका है दैट अब मुझे वो गैस वाली कोई एसिडिटी ऐसी पीरियड्स की मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं है टिल नाउ। पीरियड्स आर रेगुलराइज्ड एंड गट इश्यूज आर ऑल सॉल्व। कॉन्स्टिपेशन रहता था, वो तो 100% रिजॉल्व हो गया मेरा उस चीज से। ओके, तो अभी जैसे आपने मुझे बीच में एक बार बताया भी था, मैम बहुत लोग मुझसे कहते हैं अपना डाइट चार्ट दे दे शैलजा, शेयर मी योर डाइट चार्ट, तो आपका क्या कहते हैं लोगों को, क्योंकि लोग काफी ये कहते हैं कि गूगल से डाइट चार्ट उठा लेते हैं, डाइटिशियन के पास जाने की क्या जरूरत है, आप उनको क्या आंसर करना चाहोगे? मैं उनको यही आंसर करूंगी, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, किसी के डाइट चार्ट से किसी का वेट लॉस कभी भी नहीं होता है। और मेरे को, मेरा खुद का ये मानना है, जब तक एक टीचर आपके साथ नहीं होगा ना, तो स्टूडेंट कभी सीख नहीं सकता। चाहे आप नेट से डाइट चार्ट ले लो, चाहे आप इंस्टा से ले लो, चाहे आप किसी और का ले लो, आपको विजिबल रिजल्ट्स वैसे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी डाइटिशियन आपकी बॉडी वेट और आपका बॉडी मास इंडेक्स जो सब होता है इसके अकॉर्डिंग ही डाइट बना के देती है। तो कभी भी ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए। मुझसे आज भी मांगते हैं, मेरे घर वाले भी मांगते हैं, मैं तो क्या देने के लिए तैयार हूँ, ले लो, आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे, ले लो डाइट चार्ट, मुझे क्या है उससे। तो ये सब मिथ है, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। डेफिनेटली, बिकॉज शैलजा मैं खुद भी पेशेंट्स को ये चीज समझाती हूँ कि इट इज नॉट जस्ट द न्यूट्रिशन प्लान, इट इज चेंजिंग योर माइंडसेट, इट इज चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, इट इज चेंजिंग योर ईटिंग पैटर्न। तो ये सभी चीज, सबके लाइफ के चैलेंजेस या फेजेस सब अलग अलग है, है ना। तो आप जैसे अगर मान लीजिए हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग फीमेल है, उसके बच्चे हैं, तो दोनों के लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। सो एक ईटिंग पैटर्न या एक न्यूट्रिशन प्लान दोनों के लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। इट इज अ वेरी पर्सनलाइज जर्नी, और इसमें ना ही सिर्फ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, आपका माइंडसेट, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपके ईटिंग पैटर्न, सभी चीजों को कंबाइन करके हम इस पे वर्क करते हैं। तो एक डाइट चार्ट किसी का लेने से, गूगल से डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, आपने करके ये एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा। तो प्लीज गाइज, ये मिस्टेक बिल्कुल 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 मत करो। शैलजा की तरह रीच आउट टू मी एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ एंड ब्रिंग द हेल्दियर एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। एक चीज यही मैं कहूंगी मैम, कंसिस्टेंसी इज द की टू लूज द वेट। मैं डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी रहेगी तो वेट लूज होगा, और अगर हम इधर उधर भागते रहेंगे कि जल्दी कुछ हो, ये हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, आई डू रिमेम्बर, मैं आपको काफी इस चीज के ऊपर रीइंफोर्स भी करती थी कि इट विल टेक सम टाइम, गिव दैट टाइम। यार बच्चा भी 9 महीने लेके पैदा होता है, तुम चाहो कि 3 महीने में 4 महीने में ही मेरी डिलीवरी हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट हेल्दी। When you're working on your health, please give enough time, understand your routine, understand your body, and then move forward. So that is very necessary. Amazing. So my next question is,
व्हाट डू यू वांट टू टेल टू योर फेलो फीमेल्स, क्योंकि जनरली मैं देखती हूँ फीमेल्स अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देती हैं, दे कीप ऑन लुकिंग फॉर देयर किड्स फैमिली, बहुत चीजों पे ध्यान देती हैं, बट वो अपने ऊपर सबसे लास्ट में ध्यान देती हैं। तो शैलजा, ये आपका काफी मुझे गुड पार्ट लगा इन टर्म्स ऑफ यू वर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर लुक्स, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। दैट इज द रीजन मेरे हिसाब से आपके अंदर वो कमिटमेंट लेवल भी था कि क्यों मुझे करना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है। तो आई रियली वॉन्ट कि आप थोड़ा सा अपने फेलो फीमेल्स को ये बताओ कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज अपने ऊपर वर्क करना। मैम, मेरा इस चीज को लेके एक यही आंसर है कि अपने लिए हमें खुद ही सोचना है, हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा। बस मेरा मैं इसी मोटो पे चलती हूँ कि मुझे अपने लिए खुद सोचना है। बस मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगी, मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं अपनी फैमिली को देख पाऊंगी, अपने हस्बैंड को देख पाऊंगी। अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो मुझे ही सफर करना है, अल्टीमेटली मुझे खुद को ही देखना है। तो मेरा ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए। और मेरी रही बात प्रेजेंटेबिलिटी, तो ये मेरा एक शौक भी है, मेरा मुझे पैशन है कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपने बालों को ऐसे रखना है, मुझे ऐसे रेडी होना है, तो ये मेरा पैशन है। तो हमें अपने लिए सबसे पहले सोचना ही सोचना है, हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा, ये एक ही लाइफ है, इसको हमें टू द फुलेस्ट ही जीना है। बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, ये सब पैरेलल चलता रहेगा, बट हम कब बुढ़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो बेटर है कि अभी से ही हम उस चीज को मेंटेन करके चलें कि हम आगे तक ठीक रहे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, सो जैसा जब आप ये अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी थे शैलजा, तो बीच में जैसे देर वॉज अ टाइम व्हेन योर फादर वॉज अनवेल, तो थोड़ा सा आपका चीजें थोड़े चेंजेस हिल रहे थे, या फिर यू वेंट ऑन वेकेशन ऑल्सो। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बताएं, उन फीमेल्स को बताएं, या उन लोगों को बताएं जो कि अपने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना होता है मैम ये वेकेशन पे होके आ जाते हैं उसके बाद शुरू करेंगे, ये अभी मेरे लाइफ में ये चल रहा है उसके बाद मैं करूंगी। तो मेरे हिसाब से वन और द अदर थिंग विल कीप ऑन हैपनिंग इन आवर लाइफ, बट आप उसके साथ ही उन सब चेंजेस को कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। आपने भी किया, काफी अप्स एंड डाउन आए जर्नी में इन टर्म्स ऑफ फैमिली में, जैसे फादर आपके अनवेल थे, आप वेकेशन पे भी बहुत बार गए, तो कैसे उन सब चीजों को मेंटेन करना, आपके माइंडसेट ने कैसे कहा कि नहीं हाँ मैं कर लूंगी, या आपने कैसे उस चीज को मेंटेन किया एक तरीके से? मैम, मैंने उसको तो वैसे ही मेंटेन करा, एक तो मुझे मेरा जो मोटिव था वो मेरा मोटिव किसी की हेल्थ को लेकर या ऐसे नहीं था। मेरा मोटिव जो था कि मुझे लूज करना है वेट, तो मुझे वेट लूज करना ही है। ऑल्दो मैम ने मेरे उस टाइम पे हेल्प भी करी, मेरे प्लान में कुछ ऑल्टरेशंस भी करी कि जो मेरे लिए, मुझे हॉस्पिटल भी जाना होता था कि मेरी कम्यूटिंग में भी मुझे इजी हो और मैं हेल्दी भी खाऊं। रही बात वेकेशंस की, तो वेकेशंस पे मैं क्लियरली कह रही हूँ कि मैंने वहां पे कोक भी पिया और मतलब थोड़ा जंक भी फूड खाया, बट जब मैं वापस आई, मैं वापस उसी वेट पे ही आई थी जिस वेट पे मैं वेकेशन पे गई थी। क्यों? क्योंकि मेरा ईटिंग पैटर्न कुछ उस अकॉर्डिंग मेंटेन हो चुका था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मेरे को अपना गोल नहीं छोड़ना था किसी भी कॉस्ट पे। मेरे को उसे छोड़ना ही था। समटाइम्स ऐसा होता था कि रात का जैसे 7:30 हो गया और मैंने डिनर नहीं लिया, तो आई स्किप द डिनर कि ठीक है मेरा डिनर का टाइम निकल गया, आई विल नॉट ईट एनीथिंग, रात को आई विल टेक वन कप ऑफ मिल्क एंड आई एम डन। ऐसा भी किया है मैंने कि नहीं, मुझे अपना वेट मेंटेन करके चलना। सो डेफिनेटली इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से लोगों को कई बार ये लगता है कि यार हम बंद गए हैं, हमें एक ही सेट ऑफ पैटर्न में करना है, बट उसके जो रिमार्केबल डिफरेंसेस हमें अपने हेल्थ में, अपने बॉडी में दिखते हैं, वो एक्चुअली हमें मोटिवेट करता है कि हम उस डिसिप्लिन में रहें, है ना? ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन विच आई हैव इज, अब जैसे कि आप उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, नाउ यू आर ऑफ द प्रोग्राम, यू हैव अचीव्ड योर गोल, मुझे ये बताओ शैलजा कि आपके लिए वो सब चेंजेस सस्टेन करना कितना इजी है? मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सस्टेनेबिलिटी डिफिकल्ट है, या बहुत इजीली आप उसे मेंटेन कर पा रहे हो? इजीली मेंटेन कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरा पैटर्न उस अकॉर्डिंग हो चुका है, मेरा एपेटाइट वैसा हो चुका है।
मैं मैम ने मुझे बोला कि एक रोटी खानी है तो मैं एक ही खा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को भूख लगती है और यार नहीं मेरे को एक ही खानी है, मेरे को वेट मेंटेन करना है। नो, वेट मेंटेन तभी होगा कि हम अपना एपेटाइट और अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई जिम नहीं करा, मैंने कोई योगा नहीं करा, कोई मैंने अदर एक्टिविटी नहीं करी, सिर्फ एक वॉक करा है डेली 1 आवर, और वो भी 6 किलोमीटर्स में वॉक करती थी डेली डेली करती थी, और आज तक मेरा यही पैटर्न है। ऑल्दो अभी 15 डेज से आई एम अनवेल, 15 डेज से मैं अनवेल हूँ, आई एम नॉट डूइंग वॉक, बट स्टिल आई एम ऑन द सेम वेट, 63 kgs, आई एम ऑन द सेम वेट। So, sustaining those changes are easy and it is doable. Yes. उसको उसके लिए कुछ अलग से नहीं करने की जरूरत पड़ रही, वो changes और वो weight आप आराम से maintain कर पा रहे हो। Yes, बिल्कुल easily maintain कर पा रही हूँ। Okay, so एक मेरा last question ये है शैलजा कि I really want कि आप एक please end में जरूर लोगों को ये बताओ कि क्यों उन्हें अपना why strong करने की जरूरत है, because लोग अपना why strong ही नहीं करते हैं तो उनका commitment level उतना नहीं आता या उतने dedicated नहीं हो पाते। आपने वो चीज को why को क्यों strong किया और कैसे, what was your thought process behind it कि मुझे वजन कम करना है वो वाली चीज पे आप इतने strong कैसे रहे? वो मैम मैं इसीलिए स्ट्रांग रही क्योंकि मुझे अपनी शेप में वापस आना ही था। कि मुझे एक डबल एक्सेल नहीं पहनना, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, कोई मुझे अगर क्लोथ पसंद आता था उसमें डबल एक्सेल साइज ही नहीं है, मुझे लगता था व्हाट आई एम डूइंग विद माय बॉडी, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं इतना क्यों फैलती चली जा रही हूँ, मुझे ये था। और मैंने ये डिसाइड बहुत पहले ही कर लिया था, बट मेरा भी ये हो रहा था कि मैम से 2 महीने पहले बात हुई, मैम अब अगले महीने से करूंगी, but once I have decided and I did it, aaj bhi mujhe yaad hai from 23rd january I started, I remember the date 23 january I started and rest main ma'am ke sath throughout lagi rahi, maine proper diet diary sab kuch maintain karke ma'am ko diya। why mera isliye strong tha ki mujhe patle hona hi hai, mujhe in problems se overcome karna hi hai, mujhe gas ke issues se, acidity ke issues se, aur jo mere andar laziness thi, bachcho ke sath main irritated ho jati thi bahut jaldi, चबी चबी दिख रही थी मैं, ये सब को मुझे ओवरकम करना था, ये मेरा मोटिव था, और ये हमेशा मैम के साथ मेरा रहता था, मैं कब जल्दी पतली हो जाऊंगी, कब हो जाऊंगी, और मैं यस वापस अपनी शेप में हूँ। अब मुझे कोई भी देखता है तो कॉम्प्लीमेंट करता है कि आर यू मैरिड, कई बार ऐसा भी होता है सामने से ऐसा क्वेश्चन आता, आर यू मैरिड। सो आई एम सो हैप्पी शैलजा, यू आर एंजॉयिंग योर, आई वुड से यू आर एंजॉयिंग योर हेल्थ, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, because when you are healthy you feel good, you feel happy and yes. you enjoy each and every second of your life. Yes. Okay, so guys, I will be sharing her pics in between the recordings, please have a look from where she started and how she maintained her and now how is she maintaining her weight. So this was a remarkable journey and ye sirf मेरा ऐसा मानना है कि शैलजा के क्लियर कट गोल जो उसने डिसाइड किया अपने माइंड में और वो कमिटेड उस गोल पे रही, दैट इज द रीजन शी कुड अचीव हर गोल एंड नाउ शी इज लिविंग अ हेल्दियर एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ हरसेल्फ। अभी मैम मैं आपको अपनी अभी जो लाइव में अभी हूँ मैं अपनी एक आपको दिखाती हूँ अभी स्टैंडिंग में कि मेरी क्या पोजीशन है, आपको तो ज्यादा ही पता चलेगा बिकॉज आप तो देखते ही थे, मैं आपको yes. दिखाती हूँ, दिस इज ऑल मैम न्यू मी। Yes, and it's so lovely to see you. And definitely, लोग ये compliment अगर कर रहे हैं कि शैलजा, are you married? तो वो सही ही कर रहे हैं because you are looking so young. And definitely, कोई नहीं कह सकता कि दो बच्चों के आप mother हो. So I'm so happy because ये सिर्फ आपके dedication और commitment level से ही possible हो सकता था. There was no other way. All the best. Keep motivating others and keep moving forward. I'm so happy for you and it was amazing working with you, Shalja. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you.